तो उनको लग रहा कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक मोदी जी थे। तो ये तो समय समय की बात होती है। अब क्या पता मोदी जी संघ के लिए अभिशाप बन गए हो, आज क्या पता संघ की ना चल रही हो, क्या पता संघ ने मना किया हो कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार ना करो, क्या पता संघ ने कहा हो कि कांग्रेस के खाते फ्रीज मत करो, एक अच्छा और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करो, कांग्रेस के खाते फ्रीज मत करो, उन्हें लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी 24 में फिर आ गई तो हमारा संविधान बदल देगी, जो हमें संविधान मिला, जिससे हमें अपना हक मिला हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना चाहती है। इसलिए साथियों, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब जात बिरादरी से ऊपर उठकर कौमी एकता अगर आपको इस प्रदेश में देश में कायम रख लिए तो आदरणीय हमारे वीरेंद्र रावत जी को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजना है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप अपना बहुत एक कीमती वोट आदरणीय जब आप 19 तारीख को अपना कीमती वोट डालने के लिए जाए तो आदरणीय हमारे वीरेंद्र रावत जी का चुनाव निशान हाथ का पंजा, हाथ के पंजे के सामने हमारा बटन दबाकर हमारे आदरणीय वीरेंद्र रावत जी को जिताए, हमारे हरीश रावत जी के हाथों को मजबूत करे, जिससे हमारी देश में सरकार बन सके और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनके सब वादे झूठ निकले और जो हमारे वादे होंगे इंशाल्लाह वे पूरे होंगे। हमारे आदरणीय रावत जी इन वादों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारा प्रत्याशी है कांग्रेस का वीरेंद्र रावत। आप लोग तुलना कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन आपके हित की बात करता है और कौन आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान छीनने की बात करता है। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब आप सोचेंगे तो एक ही नाम पाएंगे जो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करता है, हरीश रावत जी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है वो, जो स्वाभिमान के लिए लड़ता है, आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। और इस जल्द में आप सबको आहुति डालनी है, आने वाली 19 अप्रैल को केवल एक ही बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाओगे? हाथ का पंजा। ये वही पंजा है, ये वही हाथ है जो आशीर्वाद के लिए उठता है, ये वही हाथ है जिसे हम सुबह ही उठ करके, हमारे हर धर्म का गुरु यही कहता है, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि सबसे उठ करके हमें अपने हाथ देखने चाहिए, चाहे आशीर्वाद के लिए उठे, चाहे दुआओं के लिए उठे। ये वो हाथ है जिसमें हम अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं और सबके लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। इसी निवेदन के साथ कि आने वाले 19 अप्रैल को केवल और केवल जिस तरह से एक ही हमारा लक्ष्य है, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली की आग बेलना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपने प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को जिताना। एक बार हाथ उठा करके सब अभिवादन रूप में भाई वीरेंद्र को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठाएंगे और दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से इस बार यहाँ से हम जिता करके भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक आह्वान पर आप सब लोग रोजे में भी इतनी परेशानी को सह करके भी यहाँ आए, सर्व समाज के लोग यहाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद। सारे की लड़ाई में एक तरफ दूसरे प्रत्याशी हैं, एक तरफ हमारा प्रत्याशी है कांग्रेस का वीरेंद्र रावत। आप लोग तुलना कीजिए और ठंडे दिमाग से सोचिए कि कौन आपके हित की बात करता है और कौन आपका स्वाभिमान और आत्मसम्मान छीनने की बात करता है। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, जब आप सोचेंगे तो एक ही नाम पाएंगे जो हमारी लड़ाई लड़ने का काम करता है, हरीश रावत जी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है वो, जो स्वाभिमान के लिए लड़ता है, आत्मसम्मान के लिए लड़ता है। और इस जल्द में आप सबको आहुति डालनी है, आने वाली 19 अप्रैल को केवल एक ही बटन दबाना है। कौन सा बटन दबाओगे? हाथ का पंजा। ये वही पंजा है, ये वही हाथ है जो आशीर्वाद के लिए उठता है, ये वही हाथ है जिसे हम सुबह ही उठ करके, हमारे हर धर्म का गुरु यही कहता है, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि सबसे उठ करके हमें अपने हाथ देखने चाहिए, चाहे आशीर्वाद के लिए उठे, चाहे दुआओं के लिए उठे। ये वो हाथ है जिसमें हम अपने परमात्मा के दर्शन करते हैं और सबके लिए दुआ मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। इसी निवेदन के साथ कि आने वाले 19 अप्रैल को केवल और केवल जिस तरह से एक ही हमारा लक्ष्य है, अर्जुन का लक्ष्य क्या था? मछली की आग बेलना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अपने
कांग्रेस के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को जिताना। एक बार हाथ उठा करके सब अभिवादन रूप में भाई वीरेंद्र को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ उठाएंगे और दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि हमारा लोकसभा प्रत्याशी ऐतिहासिक मतों से इस बार यहाँ से हम जिता करके भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक आह्वान पर आप सब लोग रोजे में भी इतनी परेशानी को सह करके भी यहाँ आए, सर्व समाज के लोग यहाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद। भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी, जिन्होंने आज दिखा दिया भगवानपुर के अंदर इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर के इनके एक आह्वान पर कितनी भीड़, जो कि आपने अभी हमारी वीडियो में देखी है, कितनी भीड़ इकट्ठा कर ली है। तो अभी बात करेंगे ममता राकेश जी से। आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल नमस्कार सिटी में। और ये जो आज आपने इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी की है, आपके एक आह्वान पर लोग आ गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये भीड़ को आप कन्वर्ट कर पाएंगे वोट में? देखिए, ये भगवानपुर विधानसभा की आदरणीय सम्मानित देवतुल्य जनता है जिसने ये जता दिया है कि वो अपने विधायक ममता राकेश से, अपने कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी से, हरीश रावत जी से कितना प्यार करते हैं और कितना उन सबका सम्मान करते हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप जोश खरोश के साथ उमड़ के आ रहा है और ये भीड़ नहीं है, ये सम्मानित साथी हैं जो सम्मान जानते हैं कि कहाँ हमारा सम्मान है और कहाँ हमें वोट देना है। भगवानपुर विधानसभा की जनता बहुत सम्मानित है, बहुत समझदार है, बहुत सूझबूझ के साथ वोट करने का काम करती है। जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं दावे के साथ कहती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और आप देखिए, ये भीड़ नहीं है, निश्चित रूप से ये सच्चे वोटर हैं, सच्चे साथी हैं, हमारे साथी हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से वीरेंद्र रावत जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। मैडम, आपको नहीं लगता कि इतना मतलब टाइम लग गया है प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस को और बहुत कम वक्त मिला है प्रचार के लिए, तो क्या पूरे एक लोकसभा एरिया बहुत बड़ा होता है विधानसभा से, तो क्या कवर कर पाएंगे? समय कम उनके लिए होता है जो जनता से बाहर रहते हैं। हम हमेशा, हमारे आदरणीय हरीश रावत जी, वीरेंद्र रावत जी और कांग्रेस का एक एक साथी हमेशा जनता से जुड़ा हुआ है, हमेशा हम भी जनता के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। जनता के एक आह्वान पर मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, चाहे दिन हो, रात हो, 24 घंटे, चाहे फ़ोन की व्यवस्था हो, चाहे उनसे मिलने की व्यवस्था हो, उनके सुख में, दुख में, हर काम में उनके साथ रहती हूँ। तो ये वो मेरे साथी हैं जो मेरे एक आह्वान पर मेरे साथ खड़े रहते हैं और उन सब ने आज साबित कर दिया है कि वो हमारे सुख दुख के साथी हैं और हमेशा हमारे एक आह्वान पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। अच्छा मैडम, जो लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए बीजेपी में हाल फिलहाल में, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वो उनकी मानसिकता थी। वो देखिए, सच्चा साथी वही होता है जो सुख दुख में खड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से उनके मन में न जाने क्या बात रही होगी, वो उनकी जाने, हम तो अपने सच्चे साथियों की बात जानते हैं जो मजबूत स्तंभ के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं और पूरे हमेशा तन मन के साथ हम भी उनके साथ खड़े हैं। भगवानपुर विधायक ममता राकेश जी ने साबित कर दिया कि वो तन मन धन के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी हैं। और ये जो भीड़ इनके एक आह्वान पर आई है, ये है वोटर्स की भीड़ है जो इनके उनको प्यार करती है। समानता का अधिकार क्या है? आर्टिकल 14, चाहे मैं हूं, चाहे वो मेरा भाई लास्ट का बैठा हुआ आदमी है, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री है, चाहे इस सूबे का मुख्यमंत्री है, सब एक वोट देंगे। वो संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, विधानसभा में हमने आरक्षण के लिए बोला, आज SC में 19% का आरक्षण दिखाया जाता है प्रदेश के अंदर और दिया कितना जाता है? मात्र 8 या 9%। और जब हम सरकार को अवगत कराते हैं विधानसभा में तो हमारी तरफ देख के हंसते हैं, हमारी मजाक बनाते हैं। कारण, वो लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इससे बड़ी मजाक क्या होगी कि आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड कोई टीवी दिखाने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आज इस मंच से आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप देश से सच्चे देशभक्त हैं, इस देश की भलाई चाहते हैं, तो 2 महीने के लिए अपना टीवी बंद कर दे। और खास तौर से ये न्यूज चैनल जो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं देखना है। और अगर उसके बाद भी मोदी जी आते हैं तो हम वादा कर रहे हैं, हम अपने नेता से सबसे पहली माला डलवाने का कार्य हम अपने नेता से करेंगे, राहुल गांधी जी को कहेंगे कि इनको ले लो। पर ये झूठ है, ये कहीं नहीं है। और इससे बड़ी मजाक क्या होगी, जिस कंपनी का प्रॉफिट 12-12 लाख रुपए होता है सालाना, वो 1200 करोड़ का चंदा बीजेपी को देने का कार्य कर रही है। इतनी भारी लूट इन लोगों ने मचाई हुई है और उस पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बातें बहुत सारी आपको कहने के लिए, पर मैं अभी एक निवेदन करूंगा,
प्रत्याशी आपका आपके सामने बैठा है, हो सकता है किसी को उसका रंग पसंद नहीं। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर जी, मंच से आपने देखा अभी इनकी एक दहाड़ ईवीएम के खिलाफ जो थी कि ईवीएम से भी निपट लेंगे। इन्होंने कहा है कि आप वोट डालते जाओ, ईवीएम से भी निपट लेंगे और दो तीन महीने बाद देखना ये भाजपा वाले कहीं बिल में नजर आएंगे। तो विधायक जी स्वागत है हमारे चैनल नमस्कार सिटी। धन्यवाद धन्यवाद। और ये जो आपने अभी जोरदार भाषण दिया है और एक चैलेंज किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी तो कुछ समझाइए। ये चैलेंज नहीं है, ये हमारा आत्मविश्वास है। देखिए, जब जब पाप का घड़ा भरता है वो फूटता है, तो अब लोगों का आवाम जनता सब बोल रही है कि पाप का घड़ा भर गया, और तो और संघ के लोग बोल रहे हैं कि अब तो अति हो गई है। संघ के लोग बोल रहे हैं, संघ के लोग शायद 12 या 13 में हम भी ये कह रहे थे मोदी जी आ जाएं, बहुत ज्यादा चीजें खराब हो गई, हमारे मित्र हमारे दोस्त ये सब बोल रहे थे, तो उनको लग रहा कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक मोदी जी थे। उस वक्त देश बहुत अच्छी चीजें अच्छे ट्रैक पे चल रहा था, जो आज नहीं चल रहा है। तो ये तो समय समय की बात होती है। अब क्या पता मोदी जी संघ के लिए अभिशाप बन गए हो, आज क्या पता संघ की ना चल रही हो, क्या पता संघ ने मना किया हो कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार ना करो, क्या पता संघ ने कहा हो कि कांग्रेस के खाते फ्रीज मत करो, एक अच्छा और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करो, कांग्रेस के खाते फ्रीज मत करो, उन्हें लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। क्या आज वो अधिकार है? इसलिए हम कह रहे हैं कि 2-3 महीने में ये नहीं दिखेंगे। अच्छा, जैसे आज इंडिया गठबंधन की रैली का सुन रहे हैं दिल्ली के अंदर जी, तो उसमें क्या लगता है आपको, इसका फर्क पड़ेगा सरकार पे कुछ? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार दिशाहीन है, सरकार निकम्मी है, नकारा है, सरकार तो अपने ट्रैक से आउट हो चुकी, सरकार तो जनता की होती है। और जब आज जनता ही परेशान है, किसान हरियाणा बॉर्डर पे बैठा है, मजदूर वो परेशान है, दलितों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, 4 साल में जो आपने सीएम हटाया था, क्यों हटाया था? या तो बोलो बहुत अच्छा था, हमें उसको प्रधानमंत्री बनाना था इसलिए हटाया था, या ये बोलो वो निकम्मा था इसलिए हटाया था। और जब वो निकम्मा था तो आज उसको जो है आपने हरिद्वार की जनता के माथे पे क्यों जबरदस्ती मढ़ने का काम किया? तो इन पे कुछ नहीं है, दिशाहीन है, कोई डिसीजन नहीं है, सिर्फ नफरत की एक लाइन खींच रखी है और लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, लोगों को समझ आने लगा ये जो नफरत थी ये दूर होनी चाहिए? देखिए, रात कितनी भी बड़ी हो, सुबह होती जरूर है, और सुबह प्यार की होती है, मोहब्बत की होती है, राम राम की होती है, जय सिया राम की होती है। तो अभी जो मुद्दा था एक इलेक्शन को जीतने के लिए कहें या जो भी, कि राम मंदिर वाला मामला, आपको लगता नहीं इससे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा? यार, राम तो पहले भी थे, अब भी थे, हम तो राम के अनुयायी हैं, हमारे तो गुरु ने वाल्मीकि भगवान ने रामायण लिख दी, आज वाल्मीकि का देख लो क्या हाल है, 6,000-7,000 रुपए में झाड़ू मार रहा है। तो ये इनके राम और हमारे राम में बड़ा अंतर है, इनके राम राजनीतिक राम है, हमारे राम यहाँ वाले राम है, जो हम रोज टिक्का लगा के निकलते हैं या उनका नाम लेके निकलते हैं, हम मन में हमेशा बोलते हैं जय सिया राम, अब वो है जय श्री राम, गुस्से वाले, क्रोध वाले, एंगर वाले, यानी भगवान का स्वरूप बदल दिया, बदल दिया ना। आज क्या है, आज इंडिया के अंदर 19 या 20 या 21 साल का लड़का जय श्री राम के कह रहा है, एक नारा मार के कह रहा है मैं देशभक्त हूं, वो देशभक्ति नहीं, देशभक्ति ये है कि हम सामने वाले के उसके चेहरे पे मुस्कान ला दे, उसकी मदद कर दे, किसी राह पे गिरे हुए आदमी को उठा दे, वो देशभक्ति है। कोई गलत काम हो रहा उसको रोके, अब यहाँ तो गलत काम खुद करवा रहे हैं, इस प्रदेश का मुखिया जो है पुलिस से चालान कटवाने में व्यस्त है, आरटीओ से चालान कटवाने में व्यस्त है, उगाही करने में व्यस्त है, आज 500-500 1,000-1,000 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। तो क्या ये आज प्रदेश की जनता के साथ मजाक है, देश की जनता के साथ मजाक है? गुजरात की लोबी उत्तराखंड स्टेट को चला रही है, क्या ये मजाक है? तो आप लोगों ने देखा कि ज्वालापुर विधायक हमारे भाई जो अभी स्टेज पे भी इतने ही जोश में थे, और अब इनकी जो बातें आपने सुनी हैं, तो इन्हें ध्यान रखें और बने रहें हमारे साथ नमस्कार सिटी न्यूज़ में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।